चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। शुभाना फरजाना फरजाना खूबसूरत। हाँ ज्यादा तरीफे करने की जरूरत नहीं, ये बताओ कि अब तक वो क्यों नहीं तैयार हुआ? वो क्या? वो जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कौन? नबील? नबील नहीं, वो जो तू बहुत बुरा बनाती है। प्लीज माँ जी मेरा दिमाग ना खाए। खाए नहीं, खाना 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 क्यों नहीं तैयार हुआ अब तक? क्योंकि आज आपकी बारी है खाना खाने की। खाना खाने की नहीं, पकाने की। खाना तू पकाएगी? नहीं माँ जी, आज आपकी बारी है खाना पकाने की। प्रवीण तू मुझे वो दिला रही है? मैं आपको कुछ नहीं दिला रही माँ जी, कल ही तो मैंने आपको शॉपिंग कराई है। और मैं उसकी बात कर रही हूँ। किसकी? किसकी नहीं, उसकी। मैं जा रही हूँ माँ जी, जब खाना पक जाए ना तो मुझे बता दीजिएगा। मिसलीन साथ से पंगा लेती है, अब नहीं छोड़ूंगी तुझे, अबे बताती हूँ। क्या हुआ जानू, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं, 13 क्यों नहीं बज रहे? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती नबील। जानू मेरे हुस्न को? नहीं, तुम्हारी माँ को। खूबसूरत वो मेरी माँ है, पापा जी की जायदाद के इकलौते वारिस की माँ। शट अप नबील, माँ जी और मेरे बीच में तय हुआ था कि एक दिन खाना वो बनाएंगी और एक दिन मैं। अब उनके हिस्से के काम भी मुझे करने होते हैं। जानू मैं तो कह रहा हूँ तुम ना एक खानसामा रख लो, बल्कि काम करो इटालियन शेफ रख लो। अच्छा, और उसकी तनख्वाह कौन देगा? मैं जानू। क्या? हाँ जानू, तुमसे लेके खानसामे को दे दिया करूंगा, अब मैं इतना भी निकम्मा नहीं हूँ जानू। मैं आपको बता रही हूँ, मैं सायमा का खून कर दूंगी। अरे तो मेरा क्यों कर रही हो, और ये सायमा है कौन? नुमान की बीवी। अब ये नुमान कौन है भाई? एहतशाम आप मेरा वो मत लें। वो क्या? भाई जिसमें हमेशा फेल हो जाती थी। इम्तिहान? हाँ, आप मेरा इम्तिहान मत लें, मैं फैजा की टिक्का बोटी कर दूंगी। अरे कौन फैजा? तुम जाओ भाई, खूबसूरत का दिमाग खाओ। खूबसूरत, उसकी जुबान ये लंबी हो गई इफ्तिखार। क्या जुबान लंबी हो गई? अरे तुमने खूबसूरत की शक्ल में कोई चुड़ैल तो नहीं देख ली? वो किसी चुड़ैल से कम है क्या? अपनी सास की नाफरमानी करती है सारा सारा दिन। अरे मुमताज थोड़ा बहुत रोब तो दिखाएगी ना वो, आखिर ये घर उसके बाप के पैसों से तो चलता है। लुकमान आप उस चुड़ैल की वो कर रहे हैं। भाई मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा मोमो कि खूबसूरत से ना माफी मांग लो। अरे अगर उसने इस घर का खर्चा बंद करवा दिया तो। चुप है। क्या कर रही हो मोमो, लग रहा है यार। तू अपनी बीवी को समझा ले। ओ नबील माँ जी। नहीं नबील की बीवी को नहीं, अपनी बीवी को समझा ले, इतनी बड़ी जुबान है उसकी, हर वक्त मेरे से बदतमीजी करती रहती है, ये सिखाया उसको पापे ने उसके। माँ जी मैं अपने पापा जी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अब तेरा सुसर तेरी माँ से बढ़ के हो गया ना लाइक। और नहीं तो क्या माँ जी, मैं उनकी जायदाद का इकलौता वारिस जो हुआ। बेशरम बेहया जोरू के गुलाम, अपनी माँ का साथ नहीं देगा अब तू। छोड़े माँ जी, गुस्सा थूक दे यार। ओ माँ जी क्या कर रही है यार, खूबसूरत से बना के रखा करे, क्यों हर वक्त उससे लड़ती रहती है आप? भाई तू भी उस चड़ेल का साथ दे रहे दिल। मजबूरी है माँ जी, जब तक इस सुसर से ज्यादा अमीर सुसर नहीं मिल जाता, हमें खूबसूरत से बना के रखनी है। अच्छा माँ जी काम करे, जाए उसे सॉरी करें, उसका दिल बहुत बड़ा है, वो आपको माफ कर देगी। सॉरी करती है मेरी जूती? माँ जी आप तो इमोशनली हो गई है यार, और जूती से सॉरी कैसे कराएंगी जब आप खुद नहीं कर रही। क्या बात है मुमताज, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। हाँ मेरी वो ना बड़ी बदतमीज है। वो कौन? वो जो मेरे बेटे की बीवी है। ओ तुम्हारी बहू? हाँ शाकरा मेरी बहू अंजम ना ये गज भर की जुबान चलाती है मेरे सामने, सच्ची बड़ी बेइज्जती करती है मेरी, आजकल की भवे तो तबा तबा। भाई मेरी बहू के मुँह में तो जुबान ही नहीं है। क्यों तूने उसकी जुबान काट दी? शमेला। अरे नहीं भाई वो तो गाय है गाय। उशबशे मेरी बहू तो इंसान है भाई। अरे मेरा मतलब है मेरे सामने ना उसकी जुबान नहीं खुलती। सच्ची वो कैसे भाई? फिर इस सफूक की वजह से। ये क्या है? अरे ये हमारा खानदानी नुस्खा है, मेरे दादा ना हकीम थे, एक बार ये सफूक तुम उसको दे दो, उसके बाद देखना उसकी जबान पे कैसे ताला पड़ जाएगा। अच्छा मुझे देर हो रही शुभाना, मैं चलती हूँ। अरे मुमताज चाय तो पीती जाओ। चाय के पैसे दे दे मुझे। क्या जोक? व्हाट इज द जोक? मैडम कुछ टेल इट, देर हो गई है।
प्यारी दुलारी लीजे। खूबसूरत? हाँ, मैं तो सबसे कहती हूँ कि मेरी सौतन बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपकी बहू हूँ माँ जी। हाँ मेरी प्यारी बहू, इधर देखना। मुझे नहीं देखना आपको। ओए मुझे नहीं, इस ग्लास को देख। ये ग्लास मैंने देखा हुआ है, मेरे जहेज का है। हाँ देखना, मैं इस ग्लास में तेरे लिए चाय बना के लेकर आई हूँ। ये शरबत है माँ जी। हाँ हाँ तू पी कर देख, चाय जैसा जायका है इस शरबत का। आप मेरे शरबत बनाकर क्यों लाई है? जमीला मैं ना तुझसे वो मांगने आई हूँ। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है माँ जी। अब पुत्र पैसे नहीं, वो जो हाथ जोड़ के मांगते ना ऐसे करके, माफी। हाँ तो मुझे माफ कर देते, बस मैं बड़ी वो हूँ। बुरी? नहीं नहीं बुरी नहीं, शर्मिंदा। तू मुझे माफ कर दे और ये शरबत पी ले। इट्स ओके माँ जी, ये शरबत आप ही पी ले, मैंने माफ कर दिया आपको। ना पुत्र, तू ये शरबत पिएगी तो मुझे लगेगा कि तूने मुझे माफ कर दिया। अच्छा माँ जी पी लेती हूँ। बदतमीज, निकम्मी, चढ़ेल, काम चोर, सारा दिन बैठी रहती, काम कोई नहीं करती। अब लगेगा पता तुझे, अब तेरी जबान नहीं खुलेगी। बच्चू फरफर जबान चलाती थी ना, अब देख तू। क्या हुआ जानू, मेरी तारीफ के लिए तुम्हें अल्फाज नहीं मिल रहे? ओ, तो तुमने फैसला कर लिया कि आज के बाद तुम अपने शौहर के सामने ज़बान नहीं खोलोगी। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। क्या क्या मतलब है जानू? जानू क्या टेंशन, क्या जानू मुझे बताओ, जानू मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मैं लेके आता हूँ जानू। क्या मतलब, क्या मतलब जानू, क्या हुआ जानू, क्या कर क्या रही हो जानू, क्या कर रही हो? ओके जानू, वैसे ही कह देती कि यू लव मी। क्या मेरी आवाज चली गई? कहां गई जानू? इसका क्या मतलब है जानू, क्या तुम कभी बोल नहीं पाओगी? ये सब माँ जी के शरबत की वजह से हुआ। माँ जी आखिर में देखो मेरी माँ ही काम आई। खूबसूरत, अब ना चाहते हुए भी मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी जानू। हाँ जानू, मैं कब तक एक गूंगी लड़की के साथ रहूंगा यार? जानू यकीनन तुमने मुझे शट अप कहा है, यकीनन, लेकिन नॉट ओके जानू। अरे जो कहना है साफ साफ कहो खूबसूरत, ये क्या इशारे कर रही हो? क्या तुम बोल नहीं सकती? अरे मगर ये हुआ कैसे है? अच्छा यानी किसी मोटी सी चश्मे वाली औरत ने किया है, तुम्हारा मतलब कहीं मुमताज तो नहीं है? भाई मैं तो कहता हूं कि तुम फौरन पापा जी को फोन करके ना हम सब का अमेरिका जाने का बंदोबस्त करवाओ। अरे भाई वहां जाके हम तुम्हारे गले का ऑपरेशन करवाएंगे ताकि तुम फिर से बोल सको। लो, अरे भले का जमाना ही नहीं है भाई, शायद गलत समझ गई, मैंने शायद ऑपरेशन का इशारा गलत कर दिया। फरजाना मैं तुझे बता रही थी, हाय अब तो मेरे पास बददुआएं और सारे कोसने भी खत्म हो गए, तू बोलने की कोशिश तो कर। हाय मुझे तो बड़ी बोरियत हो रही, कोई जवाब नहीं आ रहा तेरी तरफ से। तेरे अब्बे का खानदान रगड़ दिया मैंने, तेरी माँ का खानदान रगड़ दिया मैंने, पर तू कुछ तो बोल। तू अपनी सास को इग्नोर कर रही है, तू कुछ कहने की कोशिश तो कर ना, प्लीज बोल ना। ओए होए ऐसे तो मजा नहीं आना, जब मैं इसको डांटना है तो उल्टे उल्टे जवाब ये मुझे नहीं देगी तो फिर मैं इसको सुनाऊंगी कैसे? मुस्तकीम और दिल से हेल्प लेनी चाहिए, मुस्तकीम। यार मैं मुसावाद में बहुत खुश हूँ, मुझे आप पे भी प्यार आ रहा है। जो आज तुम्हें मुझ पे भी आ रहा है वो प्यार है? हाँ जी। जी नहीं, मुझे लगता है ये खुशी जो है ना ये खूबसूरत के आवाज के जाने की है। यार महमूद साहब जब से खूबसूरत की जबान बंद हुई है ना मेरी जिंदगी में सुकून ही सुकून भर गया है। काश मुमताज
सांस की आवाज भी बंद हो जाती यार। मौस साहब। पुत्र जमील, मैं आज बड़ी वो हूँ। खुश? खुश नहीं, वो जो कभी कभी मुस्तकीम हो जाते मुझसे। परेशान? हाँ परेशान। पुत्र जब से फरजाना की आवाज गई है ना, मैं बड़ी बोर हो रही हूँ। अरे पहले शरबत पिला के उसकी आवाज बंद की है और अब खुद ही परेशान हो रही हो? हाँ मनवर, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा महविश से लड़ने का। पहले तो वो एक एक के बदले में दो दो चार चार सुनाती थी मुझे, अब गूंगी बनी बैठी हुई है। मैं मर जाऊंगी उससे लड़े बगैर। हाँ आप लोग फौरन डॉक्टर को बुलाएं ताकि नरीन की आवाज वापस आए। ओ माँ जी, अल्लाह का वास्ता सोच लें यार, कितना सुकून है घर में यार। अगर आपको लड़ना ही है ना तो मैं आपके लिए दूसरी बहू ले आता हूँ। हाँ, और मैं दूसरी बीवी ले आता हूँ। अरे जी भर के लड़ती रहना सारा दिन। मुझे सिर्फ गुले लाला से ही लड़ना है बस। ठीक है माँ जी, मैं फोन करता हूँ डॉक्टर शाहिद 612 को। फारिग ही बैठा होता है, उसे कौन सा कोई काम है। ओए हाँ भाई, मेरे दो सीन निकल आए हैं डॉक्टर। आ जा। चले भाई आ कर। अरे माँ जी आप नहीं, आप आ गए। ओके एक मिनट। आप कौन? ये दे और इसको पानी के साथ खा दे। ये दे। अब देखिएगा बस एक मिनट में ये ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अगर मेरी बीवी एक मिनट में ठीक ना हुई तो मैंने दो मिनट में तुम्हें खत्म कर देना है। अच्छा भाई अब बोले आप। हेलो हेलो, मेरी आवाज वापस आ गई। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, मेरी आवाज वापस आ गई। हाय नरीन की आवाज वापस आ गई है, अब आएगा लड़ने का मजा। माँ जी ये सब आपकी वजह से हुआ, आपने मुझे शरबत पिलाया था ना, अब मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं देखती हूँ कैसे कोई मुझसे काम करवाता है। डॉक्टर इसके बोलने की स्पीड को ज्यादा नहीं हो गई? अरे भाई आवाज तो वापस आ गई ना, ला जल्दी से मेरी फीस निकालना। भाई फीस महमूद साहब देंगे। अरे मैं क्यों दूंगा फीस भाई, तुम्हारी बीवी का इलाज हुआ है, तुम पैसे दो। बड़े मुंह और छोटी जेब वाले इंसान इस डॉक्टर की मामूली सी फीस नहीं दे सकते। बोलो डॉक्टर कितनी फीस है तुम्हारी? भाई वैसे तो 10,000 रुपए होते हैं, लेकिन ऊपर से आप अपनी खुशी तो खुद भी देंगे, वो मैं रख लूंगा। 10,000? वो पागल तो नहीं होगा? निकल यहाँ से। 10,000 में मैं 10 असली वाले डॉक्टर ना बुला लूं। पकड़े ये 500 रुपया दे माँ जी इसको, पकड़े। तुम तो गरीब के पैसे काट दो, तुम लोगों को अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा। ओ चल चल निकल निकल यार। अच्छा भाई मैं भी फरजाना से दो दो हाथ करके आऊं, जरा हटो। ओ भाई, अरे नबील अब तो इस घर का सुकून फिर बर्बाद होने लगा है। ओ मैं मुसा है यार, लॉन में बैठते हैं, मुझे सांस नहीं आ रही और काफी सीन यहाँ कर रही है। चल मित्र दाना आज का मेन्यू लिख ले। मेन्यू तो डिसाइड हो चुका है। चिकन बिरयानी, मटन पुलाव, कीमे भरे करेले, भिंडी की सब्जी, आलू की सब्जी, माश की दाल, कोरमा, भेजा फ्राई, फिश फ्राई और मीठे में जर्दा कुल्फी और खीर। ओए ये सब तू बनाएगी? मैं नहीं माँ जी, आप बनाएं। ओए बदतमीज, अपनी सास को हुक्म दे रही है। जी हाँ, क्योंकि ये घर मेरे पापा के पैसों से चलता है। आज के बाद मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, सारे काम आप लोग करेंगे, और अगर ऐसा ना किया तो मैं घर का खर्चा बंद कर दूंगी या घर से बाहर निकाल दूंगी। तेरी जुबान तो पहले से 10 गुना ज्यादा फर चल रही है। जी माँ जी, और अब आप मेरी आवाज़ कभी बंद नहीं कर सकती। इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा और सारे काम आप करेंगी। आप बर्तन भी धोएंगी, खाना भी पकाएंगी, कपड़े भी धोएंगी, घर सारे घर की सफाई भी करेंगी, लॉन की घास भी काटेंगी और मेरे कपड़े भी इस्त्री करेंगी। क्या तेरी ये जुरत कि तू मुझे ये बोले? बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि ये घर मेरे पापा चलाते हैं। क्या बात है जानू, जब से आवाज वापस आई है कोई बात ही नहीं कर रही हो, बड़ी चुप चुप घूम रही हो। शट अप नबील, सारा दिन घर पे पड़े बिस्तर तोड़ते रहते हो, ना काम ना काज, अब तुम्हें नौकरी करनी होगी। कोई नौकरी करो, चार पैसे कमाओ, कब तक पापा इस घर का खर्चा उठाएंगे? ओ बस कर दो जानू, आज तक तुम पूरे बुलबुले में इतना नहीं बोली हो जितना आज बोल रही हो यार। बस नबील मैंने फैसला कर लिया, जब तक तुम कोई काम नहीं कर लेते मैं पापा के घर में लाहौर रहूंगी, तुम अपना और घर वालों का खर्चा खुद उठाओ। नबील, नबील, ये क्या बात है मोमो, ये तुम किससे छुपती फिर रही हो? फिरखंदा से। तुम्हारा मतलब खूबसूरत?
बढ़िया है, खूबसूरत, उसकी तो जुबान ही बंद नहीं हो रही है। तुम भी तो यही चाहती थी ना मोमो कि वो फर फर जुबान चलाए और तुम उससे लड़ सको। हाँ, ये दवा खाने से ना उसकी जुबान कैंची की तरह चल रही है मकसूद। वाकई भाई, डॉक्टर की इस दवा ने तो जादू कर दिया। हाय सच्ची, जादू की गोली है, तो मैं इसे अभी खा लेती हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या किया मोमो, तुमने क्या किया? अरे ये क्या किया है मुमताज, तुम पहले क्या कम दिमाग खाती थी जो अब ये गोलियां भी खा ली है तुमने? मैं आपका दिमाग खाती हूँ? आप कितने बद अखलाक बद करदार आदमी, आपको छोड़ के तो मैं शफकत से शादी कर लेती, पर मैंने ऐसा नहीं किया। के लिए मुमताज मुझे माफ कर दो। अरे खूबसूरत को जाके बातें सुनाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। हाँ खूबसूरत, अब मैं बताती हूँ उसमें। कुछ भी नहीं हो रहा यार। अरे मैं मूसा चलने दे रहे यार, क्या ख्याल है मैं मूसा, एक कप चाय हो जाए जानू, एक कप चाय बना दोगी? मैं क्यों बनाऊ, हर वक्त मैं चाय बनाती हूँ, इनसे क्या ये बनाएंगी? नहीं मैं क्यों चाय बनाऊ, तेरे हाथ में वो लगी हुई है, जाके चाय बना, पकौड़े भी तल लेना। मीज बेअदब, तुझे बिल्कुल लिहाज नहीं है, जा चली जा अपने बाप के घर इधर से। जी नहीं, मैं चाय बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, आप बनाएंगे। अब से मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, जिसे मंजूर ना हो वो इस घर से जा सकता है। तुम समझा लो अपनी माँ जी को, ये घर मेरा है, मैं नहीं जा रही। ओ यार मैं वो सब, ओ यार उस डॉक्टर ने तो जान हमारी अजाब में डाल दी है यार। यार वो जो डॉक्टर ने हमारी अजाब में डाली है वो जान है। हाँ जी, ये ले आपका मुजरिम आ गया। अरे भाई मुजरिम तो ना बोले भाई, भाई माना मेरे हाथ से 100-150 मरीज मर चुके हैं, लेकिन मेरा ये जुर्म अभी साबित नहीं हुआ। अरे तू डॉक्टर है या कसाई? कसाई तो मैं सिर्फ बकराई वाले दिन बनता हूँ, हमारा फैमिली कारोबार है ना भाई। ओ भाई तू कैसी गोलियां दे गया हमारी बीवियों को, उन्होंने बोल बोल के हमारा दिमाग खाली कर दिया। हाँ भाई, अरे वो तो एक लम्हे के लिए भी चुप नहीं हो रही दोनों। अरे लेकिन मैंने तो खूबसूरत को सिर्फ एक गोली खिलाई थी भाई। लेकिन माँ जी ने दो गोलियां खा ली है यार, वो दोनों हर वक्त हमारे सर पे खड़ी लड़ती रहती है यार। डॉक्टर डॉक्टर कुछ कर यार, कुछ कर डॉक्टर। नहीं नहीं, मैं राज नहीं करूंगा, तुम लोग मुझे फीस नहीं देते हो भाई। डॉक्टर प्लीज हमें बचा ले, खुदा के लिए हमें बचा ले, हमारी बीवियों की जबान जो है ना फरफर करती, उससे हमें बचा ले यार। ठीक है भाई, मैं इलाज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बार मैं फीस एडवांस में दूंगा। ठीक है, तुम्हें मुंह मांगी फीस देने के लिए तैयार है मैं मूसा। हाँ यार मैं मूसा, क्या हो गया आपको, आज सुबह तो आप पेंशन ले गए, पैसे निकाले। अच्छा भाई ये लो पूरे 10,000 रुपए हैं। नहीं 10 नहीं, अब पूरे 20,000 लूंगा, काम पक्का करूंगा। देखो बाकी के जो 10 है ना, वो तुम्हें हर महीने थोड़े थोड़े करके दे देंगे। मैं मूसा नवेल भाई फकीर लोग भाई, लाओ भाई पैसे दो, पैसे दो जल्दी दो। मैं मूसा निकाले ना यार। अरे दो ना भाई, पकड़ाओ इसे। ये लो, ये एक एक गोली खिलानी आपने मरीज को, ठीक है? एक गोली बस। हाँ बस एक गोली। ठीक है ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। आए मैं मूसा भाई, पानी पियो और फिर जी भर के सुनाना अपनी बहू को। पियो पियो पियो, शाबाश पी लो, चियो चियो चियो, पियो पियो पियो, बैठ जाओ बैठ। जाना जल जाएगा प्यार नहीं, ये आग का जल है। हाँ, तेरा काम
बस तेरा कल अरे लवीरा मजा आएगा हम बोलेंगे और ये सुनेंगी ये चीज मेरे चीज क्या चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल ओ चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल चल बबल बनाते चलते